कब मरकजे गैर हमीयत जामे मस्जिद रहमत लिल आलमीन से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन को निडर बेबाक और करोड़ों शाकान मुस्तफा का लीडर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिज़वी ऐलान करके मैदान अमल में उतरेगा। इसलिए ये बिल्कुल दाएं बाएं जो एजेंसियों के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और ऊपर रिपोर्टें दे रहे हैं, चंद लोग हैं ये गलत रिपोर्टें देकर मुल्क को अदमे इस्तेकाम से दो चार न करो। ये चंद लोग नहीं, एक करोड़ों लोगों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और आप हजरात ने इंतहाई पुरमन तौर पर बैठना है, पौधों के नीचे बैठे जहाँ मर्जी बैठे, किसी शर पसंद की बात पर आपने काम नहीं करना और अपने जज्बात पर काबू रखना है। ये वो वक्त है जब लिबरल, जब एनजीओज के पैदा करदा लोग जो है कभी पगड़ी बांधकर, कभी दाढ़ी रखकर और कभी पुलिस की वर्दियों में आकर बसों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, अमलात को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पाकिस्तान हमारा वतन है, इसकी गाड़ियां चलने वाली हमारी है, अमलात हमारी है। हमने कभी आज तक एक पत्ता भी नहीं तोड़ा इस मुल्क से वफा और प्यार का, ये हमारा जो है तरीका है। लिहाजा आप हजरात से ये गुजारिश है, आपने मरकज की काल का इंतजार करना है, जाती तौर पर कोई रद्द अमल नहीं देना। इंशाअल्लाह साबित कदमी से हम चलेंगे और जब अगर मैदान लग गया इन बेवकूफों ने गलत फैसला किया तो इंशाअल्लाह सड़कें भी यहाँ हैं, हम भी फिर जाएंगे।